राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री सहाय योजना के तहत कामदारा की टीम सिमडेगा टीम को 4-1 से पराजित कर बालिका वर्ग की हॉकी खिलाड़ियों ने परचम लहराकर विजेता बनी। रविवार को रांची से वापस लौटी विजेता हॉकी बालिका वर्ग की खिलाड़ियों का कामदारा प्रखंड परिसर में अंचल प्रशासन की ओर से गर्मजोशी के साथ स्वागत कर बधाई व शुभकामनाएं दी गयी। कामदारा सीओ दीप्ति प्रियंका कुजूर के नेतृत्व में स्वागत समारोह का आयोजन कर सभी खिलाड़ी व कोच को बुके देकर व माला पहनाकर शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया गया। मौके पर स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए सीओ श्रीमती कुजूर ने कहा कि राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में बालिका वर्ग की टीम विजेता बनकर राज्य व जिला का नाम रोशन किया है और जो काबिले तारीफ है। आगे उन्होंने खिलाड़ियों को और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रखंड प्रमुख सुनील सुरीन ने भी हौसला अफजाई करते हुए भविष्य में आगे बढ़ने की बात कही। कांग्रेस नेता अजीत गुड़िया ने भी प्रशंसा करते हुए कहा कि सिमडेगा जिला के बाद गुमला जिला की बालिका वर्ग की खिलाड़ी भी हॉकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। मौके पर उप प्रमुख शंकुतला देवी, कामदारा मुखिया लवली तिर्की, कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अजीत गुड़िया ने भी शॉल ओढ़ा कर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मौके पर कोच अनिता हुरु समेत प्रखंड के कई लोग मौजूद थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।